नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सियरुआ गांव मौजूद हो चुका हूं। जैसा कि आपको बता दें कि सियरुआ गांव में एक दिवसीय शिवचर्चा एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है और यह शिवचर्चा परिचर्चा गुरुभाई के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे बैनर तले लगाया गया है, एक पुत्र आध्यात्मिक शिव गुरु परिचर्चा, और इसमें वंदना गुरु वंदना से लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं साज बाज पर सजिंदा लोग भी बैठ चुके हैं, जो कि बहुत ही कुछ चंद मिनटों में आपको वो हम दृश्य दिखलाने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे शिव चर्चा एवं परिचर्चा का जो वंदना से लेकर अनेकों प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी गुरु भाई से लेकर गुरु बहना तक बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, आइए हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हर एक साल का भाती इन सब साल भी शिव चर्चा परिवर्तन किया गया है। सब गांव के सदस्य, प्रखंड का सदस्य मिला जुला करके सब कोई मिल करके इति कर रहे हैं, मतलब पूरा प्रखंड का वो हैं जो शिव चर्चा में हैं, जो गुरु भाई मानते हैं, उन टोटल लोग आए हुए हैं, अभी लोग आने वाले हैं, अभी आ रहे हैं लोग। तो अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि शिव चर्चा गुरु परिचर्चा का जो आयोजक करता है, इनका नाम है अंतु पासवान जी, जो कि समाज सेवा में काफी अपना सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आइए हम इनसे बात करते जाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आर भारत टीवी चैनल। स्वागत है सर जी। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंतु पासवान, ग्राम पोस्ट सेरुआ थाना संझौली जिला रोहतास हुआ। तो यहाँ पे शिव चर्चा और परिचर्चा का आयोजन किया गया है, ये मतलब साल में एक बार ही होता है क्या? नहीं, रेगुलर जो है सोमवार को होता है और साल में एक बार जो है शिव जी का वर्षगांठ मनाया जाता है और भंडारा का आयोजन किया जाता है, और जितने शिव परिवार हैं प्रखंड लेवल पर सारे लोगों को सूचना करके उस भंडारा में शामिल कराया जाता है। तो यहाँ पे यानी आज भंडारा का भी आयोजन किया गया? जी, भंडारा का भी आयोजन है। शिव चर्चा और परिचर्चा करने से क्या फायदा है? वही एकात्मा की शांति मिलती है, भगवान की पूजा है और सनातन धर्म में पूजा में ही लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए हम लोग मने लगे रहते हैं इसमें। तो सर यहाँ पे शिवचर्चा परिचर्चा कोई भी कर सकता है? जी, कोई भी कर सकता है, जिनको भी इच्छा है वो मंच पर जाकर के अपना कुछ कह सकता है शिव जी के बारे में। तो यहाँ पे जो बजाने वाले हैं और यहाँ पे विशेष कोई कार्यक्रम? विशेष कोई बजाने वाले गाने वाले कुछ जनप्रतिनिधि लोगों की उपस्थित होगी, अभी देर है। ठीक न, जनप्रतिनिधि में यहाँ के पैक्स अध्यक्ष और उप प्रमुख, ठीक ना, और पंचायत के मुखिया को भी इन्विटेशन है, ब्लॉक प्रमुख को भी है, जिला परिषद महोदय को भी है। अच्छा। माने राजनीतिक तमाम माने छह पंचायत है, लगभग सारे मुखिया पंचायत समिति को हम लोगों ने जो निवेदन पूर्वक बुलाने का काम किया है। तो अभी अभी हमारे साथ एक गुरबहाना जुड़ चुकी है, आइए हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अंचल बाबू, क्या नाम आपका जी? प्रणाम, मेरा नाम पूनम देवी है, हम प्रखंड संझौली से आए हुए हैं। आज श्री गुरु परिचर्चा सिवरुआ में रखा गया है, साल में हर एक बार होता है तो हम लोग हर साल आते हैं, और इनमें बहुत दिलचस्पी है, शिव के गुरु भी बनाए हैं और ज़्यादा इनमें विश्वास भी रखते हैं और विश्वासी के दौर पर आते जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी होता है शिव चर्चा हम लोग सुन लेते हैं तो ठहरते नहीं, क्योंकि हमारे गुरु के प्रति इतना नेह है, स्नेह है, इसलिए आज भी हम यहाँ पर पधारे हुए हैं और देख सकते हैं कि पर कितना गुरु भाई गुरु बहना सब लोग अभी आए हैं और आते भी हैं, और यहाँ पर बहुत मरियर शिव चर्चा रखा गया है और हमारे साथ हमारे बहन लोग भी आई हुई हैं संझौली के। एक सवाल आप यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर अधिक से अधिक हम जहाँ तक जानते हैं कि बहुत लोग शिव के गुरु मानते हैं और बहुत लोग विश्वास भी रख चुके हैं इसमें, और जो नहीं रखा है वो अंधविश्वास में है, अभी तक वो भी पीछे से आ रहा है, इसलिए हम इनको बहुत महत्व देते हैं। यहाँ पे जो गुरु भाई आए हुए, जो गुरु बहन आए हुए, आज जो नहीं आए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? जो नहीं आई हुई वो भी आएगी, वो भी आएंगी, वो अभी थोड़ा थोड़ा हल्का में ले रही है हमारे शिव गुरु को, अभी आएंगी, और अभी तो बहुत कम लोग आए हुए हैं, कुछ देर में अब ज्यादा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आई हैं तो शिव गुरु के बारे में आप तो गुणगान जानती होंगी, एक या दो गीत के माध्यम से सुनाइए। सोबे के नसीब बा दुनिया में ऐसन कहा, सोबे के नसीब बा केहू केहू हमारे गुरु के करीब बा, केहू केहू अपने
गुरुजी से दूरबा केहू के नया छ लागे कीर्तन भजनिया बड़ भीड़ होला जहवा नाचली नचनिया कैसनी दुनिया कैसनी हरित बा कैसनी दुनिया कैसनी हरित बा केहू केहू हम अपने गुरु के करीब बा धर्म के काम खाती मुह बीज कावेला दारू मुर्गा गांजा पी के जीवन बितावेला आजकल के आदमी भी कितना अजीब बा आजकल के आदमी भी कितना अजीब बा केहू केहू हाँ पाने गुरु के करीब। ऐसे तो हम शिव गुरु के बहुत भजन भाव जानते हैं और अधिक इन्हीं के प्रार्थना भी करते हैं और बहुत दिलचस्प भी है। हम आपसे बता दें, पूनम देवी संझौली की रहने वाली हूँ, यहाँ पर चर्चा में पधारी हुई हूँ और कुछ मन में आशाएं लेकर कहाँ हैं, जैसे कुछ कहें कुछ बोले कुछ अपने गुरु के बारे में गुणगान करें, यही इच्छा के साथ आई हुई हूँ अपने घर द्वार सारा परिवार छोड़कर। बिल्कुल। तो अभी अभी आप लोगों ने सुना ये गुरबहना जो हम लोगों के चैनल पर जुड़ी हुई थी, ये इनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर भजन गाया गया और यह भजन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे लिए नहीं, ये गुरबहना के लिए आप जन्म किया जाएगा और इसके बाद चर्चा प्रारंभ किया जाएगा। अतः गुरु भाई से आग्रह है कि मंच पर आवे और गुरु को दीप प्रज्वलन अपना आरती करें तीन सूत्र बतलाने वाले साहब श्री हरिंदर भैया को सत सत बार नमस्कार करता हूँ। साथ ही उनके धर्म पत्नी नीलम दीदी को सत सत बार नमस्कार करता हूँ। इस चर्चा स्थल पर उपस्थित सभी गुरु भाई एवं सभी गुरु बहनों को मैं सत सत बार नमस्कार करता हूँ। इस वक्त हम रोहतास जिला के संझौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिंहरुआ मौजूद हो चुके हैं। जैसा कि आपको बता दें कि सिंहरुआ गांव में एक तरफ शिव चर्चा किया जा रहा है, दूसरी तरफ भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। आप हमारे इस कैमरा में देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे नन्हे मुने बच्चे हैं, नन्हे मुने बच्चों को यहाँ पर बाल भोग का आयोजन किया गया और साथ ही साथ शिव भक्तों के लिए प्रसाद का भी वितरण किया गया, जिस प्रसाद में बन रहा है पोड़ी बुनिया और आलू दम। तीन आइटम यहाँ बनाया गया है जो कि प्रसाद में यही बटा रहा है और साथ ही साथ जो लोग इधर उधर आ रहे हैं उन लोगों से भी अपील किया जा रहा है कि आप लोग शिव भक्तों का प्रसाद ग्रहण अवश्य करें। अब हम बात करें कि यहाँ पे कितने लोगों का भंडारा कराया गया, आइए हम उनसे जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितने लोगों के लिए भंडारा का व्यवस्था किया गया है। आइए हम मौजूद हो चुके हैं उन्हें जो समाज सेवी है इन्हीं के पास, आइए हम कुछ बात करते हैं। सर यहाँ पे भंडारा का भोजन कराया गया है। जी जी, भंडारा का भोजन का आयोजन है। कितने लोगों के लिए? 2000 लोगों को। 2000 के लिए जी। तो यहाँ पे जो रागीर जो जा रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है? सारे लोगों को। जी जी। तो आपने सुना अभी अभी 2000 लोगों के लिए यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया है। जो भी लोग इस रास्ते से आते जाते हैं उन लोगों को रोक रोक कर हमारे ये जो समाज सेवी हैं जो अंतु पासवांश हैं इनके द्वारा सभी लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप सभी लोग अब शिव भक्त जो भी हैं भोजन ग्रहण करें। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले प्रथम स्थान पर बाल भोग कराया गया है। खाली को प्रसाद खाली पाली।
नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया बोर है मीडिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं अभी मौजूद हो चुका हूँ संझौली प्रखंड क्षेत्र के सियरुआ गांव में। जैसा कि आपको बता दें, संझौली प्रखंड के सियरुआ गांव में शिव चर्चा परिचर्चा का एक दिवसीय आयोजन किया गया। जैसा कि आप हमारी तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे शिव चर्चा एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है। जो इसके पहले हम आपको एक वीडियो दिखाए थे, वहाँ पे शिव चर्चा परिचर्चा का आयोजन होने वाला था, लेकिन अब यहाँ पे शिव चर्चा परिचर्चा का आयोजन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे आध्यात्मिक शिव गुरु जन जन को गुरु बनाना है, शिव को गुरु बनाना है। सभी शिव भक्त अपने अपने लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं ताकि सभी लोगों को शिव गुरु मनाए। एक से एक बढ़कर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और यहाँ पे साहब श्री हरिंद्रानंद जी और सहित नीलम दीदी का गुणगान किया जा रहा है। और यहाँ पे भक्ति गीत से लेकर जागरण से लेकर अनेकों प्रकार के शिव भक्त का गीत गाया जा रहा है। अब यहाँ पे भव्य भंडारा का आयोजन कराया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो दृश्य है काफी मनमोहक दृश्य दिखने को लग रहा है। सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। तब ऐसे करके बताई का बा, जब हमने के महादेव जी के चेला बन गए भैया तो महादेव जी के अनुसार चले के पड़ी। क्योंकि जिधर भी हमने के चले गया कोई भाई बहन देखे तो कहे कि हम महादेव जी के हमने के चेला जा रहे बनी भाई बहन। तो अभी अभी जो बाराखाना से चलकर आए हैं, जो कि आज से कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुने होंगे, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एक चला था जो कि शौचालय हर घर ODF चला था। ये ODF में वही महिलाएं हैं, वही जो शिव भक्त हैं, जो कि अपने बकरी बेचकर ही अपना शौचालय का निर्माण की थी और सोशल मीडिया पे काफी ये चर्चित हो चुकी थी। आइए हम इनसे बात करते और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैडम। मेरा नाम फूल कुमारी देवी। यहाँ पे सुचर्चा परिचर्चा ये तो सियरू है, लेकिन आपका गांव है बाराखाना। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे सुचर्चा का आयोजन किया? यहाँ मेरे चाचा का घर है, मैं उनके लड़के इसीलिए आए हैं। अपना चाचा घर है। अपने चाचा घर? हाँ। यहाँ पे आप आए तो आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा है। आप अपने माध्यम से शिव भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। यहाँ पे आप उतना दूर बाराखाना से यहाँ पर, जो आज से कुछ दिन पहले ODF हुआ था, ODF में आपको PM यानी प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। जी जी, इसके बारे में आपको कैसे लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है। हम लोग सोचेंगे कि हम जैसे हो गए उसी पूरा गांव जर्ग भी महिला भी तेज तरह हो जाए, पढ़ी लिखी भी शिक्षित महिला भी होना चाहिए। आप अपने माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहते? हम सोच रहे हैं कि हम जैसे आगे बढ़ के तो और लोग भी महिला आगे भी चढ़ के ऐसे भी देश को आजाद करे, अच्छा से रखे। चलिए, जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद।